अयोध्या में दो दिन बाद मतदान होने हैं और मतलब मुद्दा लगातार गरमा रहा है और यहाँ पे बड़े बड़े नेता आज रैली कर रहे हैं, रोड शो कर रहे हैं। मोदी योगी की अभी रोड शो हुआ, अब अखिलेश यादव का थोड़ी देर पहले रोड शो हुआ है। लगातार बड़े बड़े नेताओं का जमघट यहाँ पे है। क्या इफेक्ट पड़ेगा इस चुनाव में, क्या मुद्दे होंगे? राम मंदिर बनने को तैयार हो चुका है तकरीबन, रोज जहाँ पे काम चल रहा है, और तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो लोकल हैं, स्थानीय मुद्दे हैं, लोगों के रोजगार बेरोजगार महंगाई तमाम मुद्दे हैं। अब मैं यहाँ पे हमारे साथ मौजूद है मंदिर पे महंत नरेंद्र नाथ मिश्र जी, महंत राजा जी जो महंत लोकीनाथ जी एक बहुत बड़े सिद्ध पुरुष हैं और जिन्होंने कांवड़ जो सेना है, राष्ट्रीय कांवड़ सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। मैं इनसे पूछना चाहूँगा कि क्या मुद्दा है चुनाव में इस बार? देखिए, पहले तो सबको सोशल मीडिया के माध्यम से, आप लोग के मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश एक स्वच्छ प्रदेश है और स्वच्छ विचार से आप लोग अपने मताधिकार का प्रयोग करें। और जो आज जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, इसके माध्यम से जो आज हवा बन रही है कि मुद्दा क्या है, मुद्दा कुछ नहीं है, मुद्दा सिर्फ है विकास और जो नौजवानों का रोजगार, कपड़ा भिखारियों की तरह अनाज उनाज का जो सिस्टम है हमारे योगी जी का, मैंने उससे खुश नहीं हूँ। और रही राम मंदिर का, तो राम मंदिर निर्माण स्वयं हमारे विचार से, अभी आपने कहा कि राम मंदिर निर्माण पर जाते हैं, सेकंड में जो आपने योगी का नाम लिया, योगी के नाम लेने के नाते मैं पूछना चाहूँगा कि योगी जी ने पहले अनाउंस किया था कि हम अयोध्या से चुनाव लड़ेंगे, आखिर क्या हुआ कि वो अयोध्या चले गए? नहीं, वो तो योगी जी ही बता पाएंगे। वैसे अयोध्या से योगी जी को कोई भगाया नहीं है और उनके जो विचार और काम थे शायद वो काम से वो अपने आप वापस हो गए। अच्छा, अब बता रहे थे राम मंदिर पे, आप राम मंदिर निर्माण बता रहे थे। रामलला का मंदिर किसी के औकात नहीं है, वो बनाएगा रामलला का मंदिर उनके विचारों में, कलयुग में वो स्वयं सब भक्तों को देख के और न्यायालय के माध्यम से रामलला मंदिर का निर्माण हो रहा है। और मैं पूरे उत्तर प्रदेश की जनता को इस स्वच्छ विचार से बोल रहा हूँ कि रामलला का मंदिर भव्य बनेगा और उसमें कोई बाधा नहीं होगा। और जो भी है, अपना अपना मत अधिकार सबका अपना है, किसी का दबाव नहीं है। हम लोग संत और संत के विचारों को और धर्म गुरुओं को हमेशा प्रणाम करते हैं और हम चाहते हैं कि संगठन विचारधारा से चलता है और विचारधारा को, जो व्यक्तिगत विचारधारा को पूछता है, मानता है, चाहे आपका कोई भी संगठन हो, आपके चैनल का भी संगठन हो, वो संगठन मजबूत होता है। तो आज जो अयोध्या की जनता है, वो जो परसों वोटिंग है, उसको निपेक्ष मतलब अपने विचारों को रखकर अपने देखे कि हाँ, हमारे लिए ये आदमी विकास कर सकता है, उसको वोट दे। हम ये नहीं कह रहे हैं कि हमको ही देख के हमको वोट दे, योगी जी को देख के दे, अखिलेश को देख के दे उसको, जिससे उसको संभावना। आपको क्या लगता है कि किन मुद्दों पर चुनाव होगा? यहाँ पे मेन मुद्दा विकास है, बेरोजगारी है। मंदिर मुद्दा कितना इम्पैक्ट डालेगा? मंदिर मुद्दा देखिए कोई इम्पैक्ट नहीं डाल रहा है, जो कि वो सुप्रीम कोर्ट का विषय था, सुप्रीम कोर्ट ने की वजह से ही बन रहा है, उसमें किसी का योगदान नहीं रहा है। लोग इसकी भूमिका को, उसको जो है बुझाने का प्रयास किया है, लेकिन इसमें सफल नहीं रहे हैं। और मंदिर मुद्दा कोई मुद्दा नहीं, विकास मुद्दा है, बेरोजगारी मुद्दा है और जनता का आज जो त्रस्त है, जनता हर तरह से वो मुद्दा। मैं आपसे बात करता हूँ, आप शास्त्री जी, आप बताइए, आप बताइए कि आपका नाम क्या है? आचार्य रविकांत शास्त्री जी, ये बताइए अयोध्या में मेन मुद्दा क्या है जो चुनाव में इम्पैक्ट डालेगा? नहीं, अयोध्या में जो मुद्दा है, अयोध्या में राम मंदिर के मुद्दा को तो मुख्य बनाया ही जा रहा है और राम मंदिर का श्रेय भाजपा भी ले रही है और सब, कोई भी पार्टी के समय में कोई काम होता है तो उसमें श्रेय सबको लेने का हक है, अधिकार है, ले सकते हैं। पर राम मंदिर के मुद्दा से कुछ नहीं होना है, पूरे देश में राम राज्य स्थापित, पर राम राज्य स्थापित कैसे होगा? राम राज्य की परिकल्पना अयोध्या में हो रही है और अयोध्या में राम राज्य हो, पर राम राज्य में क्या सुविधा थी, इस बात को भी शास्त्रों के अनुसार लोगों को जानकारी लेना चाहिए। राम राज्य में हर जनता को कर मुक्त किया जाता था, जनता किसी को कोई टैक्स नहीं देना पड़ता था। तो हमारे अयोध्या में अब सब मंदिरों में टैक्स खूब आना शुरू हो गया है, जिस मंदिरों के 10,000 टैक्स थे वो 60,000 और 70,000 हो गए। तो मैं चाहे पार्टी जिसकी भी हो, पर कहना ही चाहूँगा कि तत्कालीन सरकार ये सब नियम लागू किए हैं, तो राम राज्य स्थापित तभी होगी जब करमुक्त
कर मुक्त हो तब राम राज्य होगा। बाकी राम मंदिर राष्ट्र मंदिर हमारे योगी जी भी कहे हैं कि राष्ट्र मंदिर बनाएंगे, बिल्कुल अच्छी बात है, राम राष्ट्र मंदिर बन जाए, पर और इसके साथ शिक्षा और बेरोजगारी, आज छात्रों को सब क्या क्या करना पड़ता है, पेपर लीक आउट हो जा रहा है, पर कैंसिल, तो ये सब क्या हो रहा है, ये सब होना चाहिए, शिक्षा, जनता शिक्षित होगी तभी कुछ काम कर पाए। आप बताइए कि आपको क्या लगता है कि क्या मुद्दा होगा अयोध्या में इस बार? मेन तो बेरोजगारी हो गए, विकास हो गया, इन सब को लेके ही मेन फोकस रहेगा। क्रेडिट, हाँ, राम मंदिर का क्रेडिट ले रहे हैं, सही है, और वास्तव में सब लेते भी हैं जिस समय का जो भी काम रहता है, लेकिन यही है मेन है कि मेन सुरक्षा होनी चाहिए, बेरोजगारी। अच्छा, बेरोजगारी, आपको क्या लगता है अभी? सुरक्षा और बेरोजगारी, सुरक्षा और बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा है। जी जी जी, तो मौजूदा समय में कई सरकार दावा करते हैं कि उन्होंने सुरक्षा बहुत बढ़ा दी है और लोग बहुत सुरक्षित हो गए हैं। सुरक्षा तो बेहतर है, बेरोजगारी, लेकिन बेरोजगारी पे अभी काम हो पाया है, और इस पे साथ ही आप बताइए, अपना दांत खोलिए और यहाँ बताइए प्लीज। हम ये बोल रहे हैं कि भाई ये छोड़ दो जी, सब लोग सहमत से काम अपना करिए और उसी हिसाब से काम। क्या लगता है कि मंदिर मुद्दा कितना प्रभावशाली होगा? मंदिर मुद्दा यही लगता है कि भाई लोगों की सहायता से ही खड़े रहिए। अब तक मंदिर मुद्दा नहीं रहा तो इलाज तो चुनाव मंदिर मुद्दा बना के आप लोग क्या दिखाना चाहते हैं देश को? हमारे रामलला का मंदिर पूरे देश के लिए पूरे देश की बना रही है ना मंदिर। जब अब तक जो जितने चुनाव हुआ, जब रामलला का क्रेडिट कोई नहीं लिया, तो अब दो चरण के चुनाव में रामलला को नहीं, राम मंदिर देश के सहयोग से बन रहा है। अयोध्या में चुनाव हो रहा है, अयोध्या में चुनाव होगा तो निश्चित रूप से रामलला मंदिर आएंगे क्योंकि मंदिर वहाँ पे बन रहा है, तो कितना डेवलप इम्पैक्ट होगा? या इसके अलावा मंदिर के अलावा दूसरा इशू क्या होगा वहाँ पे? मंदिर बनाना ठीक है, मगर और भी चीजों पर ध्यान दिया जाए, विकास जरूरी है। सिर्फ राम के नाम पे वोट लेना ये अच्छी बात नहीं है, किसी धर्म पे सिर्फ फोकस करना, और भाजपा सिर्फ धर्म के नाम पे फोकस कर रही है। सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ पे ये है, ना तो कोई युवाओं की तरफ ध्यान है, ना तो बेरोजगारी पे ध्यान है, केवल उनके दो मुद्दे हैं, एक धर्म और एक हिंदू मुस्लिम। आप हमारे यहाँ इतना हिंदू है, मुस्लिम केवल 18-20% है, तो ऐसा थोड़ी ना कि पूरा हिंदू को खा जाएगा मुस्लिम, तो ये मुद्दे नहीं होने चाहिए हमारे। ये आप कह रहे हैं हिंदू मुस्लिम है ना, मतलब इतना बड़ी संख्या में हिंदू है, इतनी बड़ी संख्या में, तो मुसलमान थोड़ी संख्या में, तो इतना डर किस बात का? नहीं, डर किसी बात का नहीं, हमारे यहाँ मुस्लिम चल के देखिए अयोध्या में बड़े खुशहाल रहते हैं, सब साथ मिलजुल कर रहते हैं, और बिजनेस व्यापार सबका है वहाँ, और खूब अच्छे से रहते हैं। अयोध्या के मुस्लिमों से चलकर पूछिए, सब बिल्कुल मिलजुल कर रहते हैं, तो हमारा देश सर्व धर्म संभाव वाली जो भावना रहती है, धर्म निरपेक्ष अगर संविधान है तो उसको मानना चाहिए। देखिए, जैसा कि आपने कहा, बड़ी मार्के की बात की है आप लोगों ने, कि मतलब हिंदू मुसलमान वहाँ पर मिल के रहते हैं हमारे यहाँ अयोध्या में, और कोई ऐसा नहीं कि उसमें अब अलग अलग हो। एक ज़माना था कि जो अयोध्या में जिन्होंने मुकदमा किया था वो मतलब बाबरी मस्जिद को लेकर के, और जो राम मंदिर को लेकर मुकदमा था, दोनों एक ही रिक्शे में बैठ करके कचहरी तक जाते थे, फिर वहाँ मुकदमा लड़ते थे दोनों एक दूसरे के खिलाफ। तो अब ऐसी स्थिति में मतलब जो कहना है कि वहाँ पे यहाँ पे अयोध्या में पूरी तरह सद्भाव बना हुआ है, चुनाव सद्भाव पे होगा, विकास पे होगा, बेरोजगारी पे होगा, रोजगार पे होगा और शांति से होगा। ये तो अयोध्या में सारी चीजें भारतीय जनता पार्टी की है, लेकिन इस समय चुनाव बिल्कुल अलग है, अलग माहौल है। इस माहौल में किस तरीके से परिणाम आएंगे, 27 तारीख को होने वाली वोटिंग तय करेगी। जनता टीवी के लिए आशीष कश्यप के साथ अनिल के अंकुश।